आखिर चौधरी चंद्र कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जो हाईकमान फैसला करेगा वही सिर माथे पर। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को मतगणना होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत साबित करेगी और फिर मुख्यमंत्री का चयन हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि शिमला विधानसभा का रास्ता जिला कांगड़ा से होते हुए निकलता है, जिला कांगड़ा से ही सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि अगर जिस व्यक्ति के साथ जीते हुए कांग्रेस विधायक का बहुमत होगा वह मुख्यमंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी उम्र कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और करता रहूंगा। मुख्यमंत्री बनना या ना बनना यह तो हाईकमान खुद तय करेगा। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं का बायोडाटा कांग्रेस हाईकमान के पास पहले से ही मौजूद है, अभी कोई बायोडाटा नहीं मांगा गया। कांग्रेस पार्टी जब टिकटों का फैसला करती है तो हर एक कैंडिडेट्स का बायोडाटा जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास होता है और गूगल्स में भी सभी के बायोडाटा जो है वो बने हुए होते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है उसके पास सारी डिटेल्स होती है, श्रीमती सोनिया गांधी ने जब टिकटों का फैसला किया तो सभी प्रत्याशियों का बायोडाटा देख करके उन्होंने टिकटों का फैसला किया है और इलेक्शन कमेटी के पास भी सभी प्रत्याशियों का बायोडाटा होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास सभी जो प्रत्याशी होते हैं उनका पूरा बायोडाटा होता है और पूरी जानकारी जो है वो हर एक प्रत्याशी के संबंध में जो पूरी जानकारी उसमें जो है दी जाती है। तो कई सूत्र होते हैं जिससे सरकार जो है या पार्टी जो है वो भिन्न-भिन्न प्रत्याशियों का जो है वो बायोडाटा लेती है और उनकी जो कारगुजारी रही होती है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। तो बहुत से कैंडिडेट्स जो हुए उनको बायोडाटा जाता होगा जिसके लिए हमारे से वो नहीं मानते हैं कि कैंडिडेट अपना बायोडाटा खुद दे, उनके पास पूरे का पूरा हर एक का एक डोजर बना होता है, उसमें सारी की सारी बातें जो है पूरे का पूरा बायोडाटा जो है हर प्रत्याशी को देता है। सर आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं शामिल? सर देखिए अभी तो रिजल्ट 8 तारीख को जनगणना होगी और उस जनगणना में कितनी कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत के आते हैं, 8 तारीख को जो है वो मतगणना होगी और कितने प्रत्याशी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जीत करके आएंगे उन्हीं को आगे रख करके हाईकमान जो है फैसला करेगा। और हाईकमान का फैसला जो होता है उसको सभी को मान्य है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।